नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं स्वाति। अगली खबर में बात करते हैं खंडवा की, जहां भूत प्रेत बाधा उतारने के नाम पर एक तांत्रिक ने व्यापारी की जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान उसने न केवल उसके बाल खींचे, जमीन पर घसीटा, सीने और पेट पर लात रखी, बल्कि पीठ पर भी जमकर मुक्के मारे। इसके साथ ही तांत्रिक ने व्यापारी को बाल पकड़कर जमीन पर भी फेंक दिया। सबसे खास बात यह है कि ये सब कुछ व्यापारी की मर्जी से हो रहा था। इस मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। मामला खंडवा के पिपलौत थाना क्षेत्र के गांव जूना पानी का है। वीडियो शनिवार का है, जिसका वीडियो सोमवार को सामने आया है। करीब 2.5 मिनट के वीडियो में तांत्रिक युवक को बेरहमी से पीटता दिख रहा है। व्यापारी के परिवार वाले जादू टोने और प्रेत बाधा के शक में तांत्रिक के पास पहुंचे थे। हालांकि मामले की शिकायत थाने में नहीं हुई है। जूना पानी गांव में माता राम बाबा तांत्रिक रहता है। गांव वालों का दावा है कि वह भूत प्रेत बाधा दूर करता है। शनिवार को इटवा के रैयत गांव का परिवार यहां आया। उन्हें शक था कि परिवार के गोपाल नाम के युवक पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। गोपाल पेशे से अनाज व्यापारी है। वीडियो में दिख रहा है कि तांत्रिक माता राम ने भूत उतारने के लिए सबसे पहले व्यापारी के बाल खींचे, कभी वो गोपाल के पेट तो कभी पीठ पर लात रखता। वीडियो में तांत्रिक पीड़ित व्यापारी को मुक्के मारते हुए भी दिख रहा है। यही नहीं, वो उसे जमीन पर भी पटक देता है। मौके पर व्यापारी के परिवार के लोग भी थे। काफी देर तक ऐसा चलता है, फिर वे गोपाल को घर ले जाते हैं। वहां मौजूद किसी शख्स ने इस मारपीट का वीडियो बना लिया। उधर इस मामले में पिपलौत थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन ने बताया कि फिलहाल मामले में कोई शिकायत नहीं हुई है। शिकायत होती है तो कार्यवाही की जाएगी।